नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विट स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम मध्य प्रदेश के मैप को ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो चलिए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलती हूँ कि ऊपर के आपको ये जो दो तीन डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये आप सभी को अच्छे से पता होंगे या फिर याद होंगे। हम मैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से याद करेंगे कि पहले इसके सारे के सारे ये जितने भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें याद करेंगे, फिर हम इस तरीके से कुछ अंदर जाकर क्लॉकवाइज घूमकर इसे याद करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर क्लॉकवाइज यदि चलें कि सबसे पहले आता है श्योपुर, फिर आता है मुरैना, फिर आता है भिंड। तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ग्वाले के दांतों में भिंडी फंस गई है, मतलब कि ग्वालियर के दांतों में, दांतों मतलब ये दतिया, तो ग्वाले के दांतों में भिंडी फंस गई है। फिर उसके बाद हम चलेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या हमें मिलेगा, शिवपुरी। शिवपुरी को कैसे याद करेंगे, मध्य प्रदेश की गर्दन में शिव का राज है, तो ये आपको दिख रही है मध्य प्रदेश की ये गर्दन है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर शिवपुरी दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे कितने जिले हो गए, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मतलब श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। तो ग्वाले के दांतों में भिंडी फंस गई है। अब इसके आगे क्या है, शिव के चरणों में जो भी आता है वो शोक रहित हो जाता है। तो शिव के चरण कहाँ पर है, ये हैं, मतलब कि क्या बोला इसमें, शिव के चरणों में जो भी आता है वो शोक रहित हो जाता है। शोक रहित मतलब अशोक। अब यहाँ से हमारी एक कहानी स्टार्ट होती है। अब क्या बोला, शिव के चरणों में जो भी आता है वो शोक रहित हो जाता है, मतलब अशोक। अब यहाँ से होती है एक लड़के की एंट्री जिसका नाम होता है अशोक। अब जो अशोक होता है उसके पास वो शिव जी के चरणों में जाता है, तो शिव जी अशोक से क्या कहते हैं कि बेटा अशोक जाओ तुम सागर घूम आओ। वहाँ पर जाने का क्यों बोलते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर उससे कहते हैं कि जाओ वहाँ पर जाकर तुम यूनिवर्सिटी में घूम आओ। शिव जी अशोक को कहते हैं कि जाओ तुम जाकर वहाँ, कहाँ जाओ, सागर जाकर घूमाओ, क्योंकि वहाँ पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। फिर जो ये अशोक है ये कहाँ आ जाता है, सागर आ जाता है। वहाँ पर क्या, तालाब भी बहुत सारे तालाब भी हैं और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है। अब अशोक क्या करता है, सागर पहुँच गया। अब सागर जाके वो क्या करने लगता है, टीका लगाने लगता है, टीका लगाने लगता है और छतरी रखने लगता है। तो सागर, टीकमगढ़, और आपने देखा ही होगा कि पिछले साल टीकमगढ़ से अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम रखा था निवाड़ी। तो निवाड़ी तो सबको ही पता होगा कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। तो सागर जाकर वो टीका लगाने लगता है और छतरी रखने लगता है। तो छतरी कौन रखता है, पोपटलाल। तो इस तरीके से देखा वो कैसे छतरी रखने लगता है, मतलब छतरपुर, और टीका लगाने लगता है। अब वो बेहतरीन टीका वीका लगाकर घूमने लगता है, बिल्कुल डॉन टाइप घूमने लगता है। उसे कहाँ भेजा था, तुम सागर जाओ और वहाँ जाकर तुम पढ़ाई करना, लेकिन वो क्या करता है, टीका लगाकर घूमने लगता है और छतरी रखने लगता है। इससे क्या होता है कि उसकी पढ़ाई तो हो नहीं पाती क्योंकि वो तो घूमने लगता है, वहाँ की चीज़ों का इंजॉय करने लगता है। फिर उसे बाद में क्या याद आता है कि अब तो एग्ज़ाम आने वाली है। क्या आने वाली है, एग्ज़ाम। ना तो उसके पास कोई कॉपी रहती है ना ही कोई किताब रहती, तो वो क्या करने लगता है, पन्ने ढूंढने लगता है। क्या ढूंढने लगता है, पन्ने। पन्ने से वो क्या करेगा कि उन पर लिख लिख कर वो याद करेगा, उससे पढ़ाई करेगा। तो अब वो क्या करने लगता है, छतरी रखने के बाद पन्ने ढूंढने लगता है। तो पन्ने की परेशानी उसे सताने लगती है, सताने लगती मतलब सतना, पन्ने की याद मतलब पन्ना। तो छतरी, पन्ना और सतना, इस तरीके से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। फिर उसके पास आती है एक जीवन में लड़की, ये जो हमारा हीरो है अशोक, इसे पन्ने की याद सताने लगती है, तो सतना।
फिर इसके जीवन में आती है एक लड़की जिसका नाम क्या रहता है, रीवा। जिसका नाम क्या रहता है, रीवा। ठीक है, वो कैसी रहती है, सीधी रहती है और सिंगिंग करती है। तो रीवा सीधी और सिंगरौली। अब भाई जो सिंगिंग करेगा तो वो ढोलक भी तो बजाएगा ही, तो वो सिंगिंग के साथ साथ ढोलक भी बजाती है। तो रीवा सीधी, सिंगरौली और शहडोल। कैसे हमारे अशोक के जीवन में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है रीवा। लेकिन उनकी स्टोरी अच्छी चल ही रही होती है, उनके जीवन में आ जाता है एक लड़का जिसका नाम क्या रहता है, अनूप। क्या नाम रहता है, अनूप। अनूप क्या करता है, रीवा के ऊपर डोरे डालता है। तो अनूपपुर और डिंडोरी। डोरे डालने के साथ साथ वो क्या करता है, अपने बालों को भी संवारता होगा। जैसा अपने अनूप को देखा हो कि उसके बाल कैसे रहते, अनूप के बाल उठे हुए रहते हैं, तो क्या करता है वो बाल संवारता है। तो मतलब बालाघाट। अब अनूप क्या करता है, बाल संवारता है और सीना ठोक के, मतलब जो हमारा कौन है हीरो, अशोक, अशोक के सामने सीना ठोक के क्या करता है, जो उसकी फ्रेंड रहती है कौन, रीवा, उसको कहाँ ले जाता है, छीन बैतूल ले जाता है। तो ये क्या, उसको सीना ठोक के कहाँ ले जाता है, छीन के उससे बैतूल ले जाता है, बैतूल ले जाता है। फिर वहां पर क्या करता, उसे खांडवा खिलाता है। खांडवा क्या है, एक गुजराती डिश है। तो वो वहां पर ले जाकर उसे खांडवा खिलाता है, खांडवा खिलाता है। खांडवा से क्या याद रखेंगे हम, उसे खंडवा। क्या याद रखेंगे, खंडवा। खांडवा खाने से रीवा को क्या होता है, बुखार आ जाता है। तो बुरहानपुर। तो क्या हो जाता है, उसे बुखार आ जाता है, तो बुरहानपुर। अब उससे क्या हुआ, रीवा को बुखार आ गया, जिससे वो जो लड़का था, लड़का कौन, अनूप, वो उससे बुखार के कारण खार खा के बड़बड़ाने लगता है। तो खार खाना मतलब खर गोन, बड़बड़ाना मतलब बड़वानी। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि वो किस तरीके से खार खा के उसे बड़बड़ाने लगता है। ये देखो, बेचारी रीवा बुखार में है और ये जो अनूप है उसे चिल्लाने लगता है, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो खार खा के वो बड़बड़ाने लगा, मतलब खरगोन फिर बड़वानी। तभी वो क्या देखता है कि उसका जो दोस्त एक अली, अली का जा रहा है, जा रा मन नी लेने, मतलब कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ये है अनूप का दोस्त अली। ये क्या जा रहा है, जा रहा मतलब, जा रहा मतलब कि झाबुआ और रतलाम, मनी मतलब मंदसौर और नीमच। अनूप क्या सोचता है, यदि अगर अगर राज कौन है, अली का बेटा, यदि वो गुम हो जाए तो, मतलब कि कहीं ना कहीं जो अनूप रहता है वो अली के बेटे राज को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा होता है। अब अगर के पहले क्या है, मनी मतलब मंदसौर और नीम। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर मतलब आगर मालवा, राज मतलब राजगढ़, फिर गुम हो जाए मतलब कि गुना। ठीक है, तो फिर अनूप क्या करेगा, वो विदा हो जाएगा। विदा मतलब विदिशा और दमू, मतलब कि विदा मतलब गायब हो जाएगा। ये देखा उसने कैसे उसके बेटे राज को ले गया और मन्नी भी ले जाएगा, और ये उसका बेटा राज उसके साथ जा रहा है। फिर वो क्या प्लानिंग करता है कि अब वो आगे की अपनी उम्र काट ही लेगा। तो उम्र कैसे काट लेगा, तो कटनी और उमरिया कैसे काट लेगा, कि उसके पास मनी तो आ ही गया है और उसके बेटे से, अब वो उसके बेटे से भी कुछ ना कुछ काम करवा ही लेगा, उम्र काट लेगा। फिर क्या होगा, जब वो मंडला में सिंगों के साथ, मतलब कि ये सिंगों के साथ होश में, इसके आगे की हम स्टोरी देखेंगे, उसने ये मंडली बना ली, उसके ग्रुप में बहुत सारे लोग भी आ गए, तो वो कहाँ जाएगा, मंडली बना करके होश में देवों के दौर में जाएगा। देवों का दौर मतलब देवास, और दौर मतलब इंदौर,
उससे क्या होगा, उसकी धार हो जाएगी। धार मतलब क्या होगा, उसकी पूजा में इच्छा में धार हो जाएगी, मतलब उसकी पूजा की करने की इच्छा बढ़ जाएगी, जिससे जैन बन के वो शाजा में पाल सेन से मिलेगा। पाल सेन हम आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि वो देवास आ गया है और उसके पास सींग भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो उज्जैन जाकर क्या बनेगा, जैन बन जाएगा। फिर जैन बन के वो शाजा में पाल सेन से, मतलब सुष्मिता का नाम घर का क्या है, पाल सेन, पाल मतलब भोपाल, तो वो भोपाल में रायसेन से मिलेगा, मतलब कि सुष्मिता सेन से वो मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मैप होता है क्लॉकवाइज। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, यदि पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।